हे व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हो आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं इंटरेस्टिंग वीडियो सैमसंग गैलेक्सी एम जेड 4। ठीक है, तो आप अभी मेरे फोन के टेक्नो स्पार्क का स्क्रीन देख के आप लोग वीडियो को बैक मत करना, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है, ये आपके साथ ना हो। इसीलिए मैं अपने टेक्नो फोन में बता रहा हूं कि सैमसंग गैलेक्सी एम जेड 4 में अगर ओवरहीट हो जाता है आपका फोन, तो कैसे आप लोग उसको ठीक करेंगे एंड किस तरीके से आपको ओवरहीट होने से बचाना है। तो गाइस मैं छोटा सा आपको क्लिप दिखा देता हूँ मेरे साथ क्या हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं मैं गैलरी में चला गया एंड आप देख सकते हैं ऐप क्लोज्ड कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं .com दिस फोन मास्टर कूलिंग यूअर फोन इज ओवर हीटिंग ट्राई यूजिंग, इस तरीके से एरर आ रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, ये आपका फ़ोन पहले से बोल रहा है, यहाँ पर फोन मास्टर ऐप को इंस्टॉल करके आप लोगों को इसको कूल करना होगा। तो इसका इस जो फोन मास्टर एप्लीकेशन ही आपका फ़ोन अभी एरर दिखा रहा है ना गाइस, तो ये इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने वहाँ से आप फोन मास्टर का यूज़ करके कूल कर सकते हैं, कूलिंग कर सकते हैं। एंड आप लोगों को मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये आपका कैसे किस तरीके से नोटिफिकेशन आता है। तो गाइस अगर आप लोग कोई यूट्यूब वगैरह प्ले करते हैं एंड सॉन्ग वॉक प्ले करते हैं एंड ओवर हीट अगर हो जाता है, जैसे फ्री फायर गेम को आप खेलते हैं, तो ओवर हीट होने की वजह से आपकी स्क्रीन बंद हो जाएगा एंड बंद होने के बाद ये वाला जो नोटिफिकेशन है, ठीक है, तो जो मैं अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं गाइस, ये वाला आपको एरर आपको जरूर देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको इसको कुछ नहीं करना होगा, छोटा सा एप्लीकेशन है, ठीक है, तो फोन मास्टर एप्लीकेशन इसको इंस्टॉल करना होगा। सबसे पहले मेरा यहाँ पर देख सकते हैं कूल फोन कूलर, ठीक है, तो मैं क्लीन कर देता हूँ क्योंकि ये मेरा फ़ोन भी ओवरहीट हो चुका है। तो इसके लिए देख सकते हैं ये ऑप्टिमाइज करेगा अभी मेरे फ़ोन को, देख सकते हैं इस तरीके से आप फ़ोन कूलिंग कर सकते हैं अब एंड आपके फ़ोन को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बूस्ट करने के लिए कहा बोलेगा यहाँ पर फ़ोन, ठीक है, तो ये सारा का आपको करना होगा क्योंकि सैमसंग गैलेक्सी एम जेड 4 जो मेरे पास अभी जो डिवाइस है गाइस वो ओवरहीट हो चुका है। मैं यूज़ कर रहा था, मुझे पता नहीं कि ये कैसे में हो गया, तो मैं यूज़ कर रहा था, यूज़ करते करते अचानक गाइस ये नोटिफिकेशन मेरे सामने आ जाता है। तो मैंने बोला चलो मेरे सैमसंग गैलेक्सी एम जेड 4 के मेरे दोस्तों को बताया जाए, मेरे फैमिली को मेम्बर्स को बताया जाए ये मेरे साथ क्या हो गया। तो एंड गाइस ये आपके साथ भी कभी ना कभी आया होगा, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। इस तरीके से आपको फ़ोन को बूस्ट कर देना होगा, स्कैन विस्कैन कर देना होगा, जैसे फ़ोन मास्टर एप्लीकेशन में किया हूँ। एंड आप लोगों को सैमसंग गैलेक्सी एम जेड 4 का चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस मतलब सैमसंग गैलेक्सी एम जेड 4 फोन मास्टर का, तो उसमें जाके देख सकते हैं। एंड इस वीडियो मतलब एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर में आराम से सर्च कर सकते हैं फ़ोन मास्टर करके, ठीक है, तो आराम से आप लोगों को मिल जाएगा एप्लीकेशन। तो आपको अगर नहीं मिलता है तो क्या करना होगा, प्ले स्टोर में जाना चले जाना होगा एंड मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर से मैंने नेट ऑन करता हूँ, ट्राई अगेन, ठीक है, तो ये आपको क्या करना होगा, जाके फ़ोन मास्टर आप लोगों को सर्च कर लेना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं फ़ोन मास्टर सर्च करता हूँ, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं फ़ोन, यहाँ पर फ़ोन मास्टर करके सर्च कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर फ़ोन मास्टर मैंने जैसे ही सर्च कर दिया एंड यहाँ पर देख सकते हैं गाइज मेरा फ़ोन मास्टर यहाँ पर सर्च होकर आ चुका हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं इसी आपको एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करना होगा एंड इस तरीके से आप कूल कर सकते हैं, बैटरी सेविंग पावर मोड वगैरह सब कुछ आप लोगों को यहाँ से कूल कर देना होगा एंड यहाँ पर आपके MB सब दिख जाएगा। तो चलो गाइस वीडियो इतना तक ही था, क्योंकि सैमसंग गैलेक्सी एम जेड 4 के ऊपर मैं अभी वीडियो नहीं बना सकता उस फ़ोन से, क्योंकि ओवर हीट हो चुका है, तो इसीलिए मैं उसको रेस्ट करने के लिए रखा हूँ। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना, तो मिलता कर नेक्स्ट वीडियो में।